कमर के अंदर छोड़ा जाता है जिसके थ्रू मेडिसिन जाती है जो कि पेन रिलीफ देती है, है प्राइमरी के मुकाबले लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए वी कंफर्टेबल रखता है एंड द पेशेंट्स कैन वॉक ऑल्सो अलांग कि हॉस्पिटल में कितने दिन मुझे रुकना पड़ेगा रिप्लेसमेंट के बाद सो टोटल द हॉस्पिटल इज फोर टू फाइव डेज ऑल ये पेशेंट टू पेशेंट चेंज हो सकता है स्पेशली इन्फेक्शन की वजह से जिनका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उन केसेस में थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है स्टे क्योंकि उनको आईवी एंटीबायोटिक्स यानी कि नस के थ्रू जो एंटीबायोटिक दिया जाता है जो सखम सुखाने की दवाई दी जाती है वो लंबे समय तक देनी पड़ती है इन नॉर्मल पेशेंट जिनके अंदर सिर्फ पार्ट्स लूज हुए थे जिनके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं था फोर टू फाइव डेज में उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और जाने के पहले वो वॉक कर रहे होते हैं वॉकर के जरिए और बहुत सारे पेशेंट्स को एक नी ब्रेस यानी कि जो घुटने पर पट्टा लगाया जाता है वो भी होता है और उनकी फिजियोथेरेपी भी हो रही होती है

एक से दो हफ्ते के पीरियड में या तीन हफ्ते के पीरियड में उनका ब्रेस हटवा के उनको विदाउट सपोर्ट भी चलवा सकते हैं पॉइंट नंबर फोर फिजियोथेरेपी किस तरह की रिक्वायर्ड होती है रिवीजन नी रिप्लेसमेंट में क्या ये प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट से अलग होती है मोर और लेस सेम एक्सरसाइज की जाती हैं बट ये स्लो पेस्ड होती है और आपके केस के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है रिविजन नी रिप्लेसमेंट में और प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी का टाइम ड्यूरेशन फर्क होता है रिविजन में लंबे समय तक तो फिजियो करनी पड़ सकती है प्राइमरी में कम टाइम तक करनी पड़ती है कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती है रिविजन नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट की मसल पावर बिल्ड करनी होती है उनकी घुटने की मूवमेंट लेनी होती है और उनको बैलेंसिंग सिखाई जाती है जिसको कि गेट ट्रेनिंग कहते हैं कैसे उनको चलना है पहले वॉकर के साथ फिर सिर्फ नी ब्रेस के साथ और फिर विदाउट एनी सपोर्ट तो ये पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज करके किया जाता है बट सब पेशेंट चल रहे होते हैं और उनकी फिजियो हो रही होती है सर्जरी के बाद पॉइंट नंबर फाइव कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप काम पे कब जा सकते हैं अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको सिर्फ अपने ऑफिस जाके बैठना है तो मोस्टली पेशेंट्स डेढ़ से दो महीने के अंदर अपने काम पे जा सकते हैं मैं डेढ़ से दो महीना क्यों बोल रहा हूं बिकॉज मोस्टली पेशेंट जिनका रिविजन सर्जरी हो रहा होता है दे आर अब द एज ऑफ ऑफी तो बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ नहीं होता उनका बट इवन इफ यू आर एक्टिव एट सिक्सन गो टू यू कैन गो टू यू कैन गो अलॉंग विद योर ड्राइवर और यू कैन गो इन ए कैब विद इन सिक्स टू एट वीक्स

ड्रेनेज हो रही है डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है पानी निकल रहा है या ब्लड डिस्चार्ज हर रोज़ आ रहा है आपके एरिया जो ऑपरेशन का एरिया वो रेड है वार्म है सोलन है आपको घुटना ओढ़ने में दर्द बढ़ता है आपके नी में स्टिफनेस है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है बहुत सारे पेशेंट्स को इन सब साइंस के साथ अगर बुखार भी आ रहा है तो और ज्यादा चांस हो जाता है इन्फेक्शन होने का तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली जाकर मिलना चाहिए सो दीज आर द टॉप सिक्स पॉइंट्स विच पीपल शुड नो अबाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डिड आई मिस समथिंग समय एंड आई डिड इफ दर इज समथ ऑन योर माइंड अबाउट रिविजन रिप्पलेसमेंट सर्जरी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आल ट्राई टू कव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग